नमस्कार दोस्तों, इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल ग्राउंड एंड लास्ट वन इज व्हेन वी शुड नॉट यूज दिस कॉन्सेप्ट इन ओपैम्प सर्किट। अगर आप इसका लाइव एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो गेट 2017 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का क्वेश्चन नंबर 38 को आप चेक करिए, क्योंकि इसमें ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम इसको ठीक से समझते हैं कि एक्चुअल में ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपका सिंपल एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट है, जिसमें V1 आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट वोल्टेज है, V2 आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट वोल्टेज है, और आपका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो इसका गेन मल्टीप्लाइड विथ V1 - V2, मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ गेन विल बी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज। तो और ये प्लस VCC और माइनस VCC क्या है, ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाई है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट की। अब आइडियली तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो आइडियली इनफाइनाइट होता है, बट आप प्रैक्टिकली देखें तो ये 10^5 या इससे ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा लार्ज गेन होता है जनरली ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। तो यदि 10^5 है, अगर आपका गेन किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 10^5 है, तो एक छोटा सा वोल्टेज, फॉर एग्जांपल अगर आपका V1 - V2 इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट भी है, देन आउटपुट क्या आएगा, 10^4 वोल्ट, मतलब कि 10,000 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट इनपुट में दो और एक छोटी सी IC 10,000 वोल्ट आउटपुट में दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। इसका 10,000 का मतलब ये है कि 10,000 वोल्टेज का मतलब ये है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैक्सिमम जितना दे सकता है उतना दे देगा। तो कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैक्सिमम अपना प्लस VCC के इक्वल वोल्टेज दे सकता है, और मिनिमम माइनस VCC के बराबर वोल्टेज आपको दे सकता है। तो अगर कोई भी क्वांटिटी जो प्लस VCC की वैल्यू से ज़्यादा हो, मतलब वो उससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगा। तो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट हमेशा प्लस VCC और माइनस VCC के बीच में होगा। बट जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे वोल्टेज के लेवल होते हैं वो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट तक होते हैं, और अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करना चाहते हो 1 वोल्ट 2 वोल्ट पर या 0.1 वोल्ट या 1 मिली वोल्ट पर भी, तो 1 मिली वोल्ट भी ओपैम्प को सेचुरेशन में पहुंचा देगा, क्योंकि इसका गेन जो है वो 10^5 है। 1 मिली वोल्ट भी अगर आप इनपुट में देंगे तो आउटपुट में 100 वोल्ट आएगा, विच मीन्स दैट विल बी इक्वल टू प्लस VCC। तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपन लूप में यूज़ करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि छोटा सा वोल्टेज डिफरेंस इन दो टर्मिनल के बीच में आपका ओपैम्प को सेचुरेशन में पहुंचा देगा। तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर आपको लीनियर रीजन में ऑपरेट कराना है, मतलब आपका आउटपुट वोल्टेज जो है माइनस VCC, आउटपुट वोल्टेज आपका माइनस VCC और प्लस VCC के बीच में अगर आपको रखना है, तो आपको नेगेटिव फीडबैक कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस सर्किट में नेगेटिव फीडबैक कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका आउटपुट का वोल्टेज इनपुट में कपल करते हैं, जैसे ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया RF, ये आपने कनेक्ट कर दिया, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इससे आपने एक फीडबैक नेटवर्क बना दिया। तो अब आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक हो गया। तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा दोस्तों, कि आउटपुट के जो हाई वोल्टेज को वापस इनपुट में देगा, तो इनपुट के इन दोनों टर्मिनल के बीच के वोल्टेज डिफरेंस को मिनिमम करने की कोशिश करेगा, और आइडियली ओपैम्प में तो ये दोनों इक्वली हो जाएंगे, ताकि ये आउटपुट जो है आपका प्लस VCC और माइनस VCC के बीच में आ सके, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत स्मॉल क्वांटिटी की ज़रूरत होगी। अब अगर आप इसको चेक कर रहे हैं, अगर आप थ्योरेटिकल प्रूफ चाहते हैं इसका कि कैसे ये V1 और V2 जो होगा वो V1 के इक्वल होगा या नहीं, तो पोटेंशियल डिवाइडर मेथड से V2 जो है वो आपका R1 upon R1 plus RF into VO होगा, और आपका आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन आप जानते हैं A
मल्टीप्लाइड विद वी वन माइनस वी टू। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सोल्व करेंगे वी वन और वी टू की फॉर्म में, तो आपका जो वी टू आएगा वो आएगा ए अपॉन ए प्लस आर वन प्लस आर एफ डिवाइड बाय आर वन मल्टीप्लाइड विथ वी वन। ये आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके देख लीजिएगा, ये वी टू और वी वन के बीच में ये रिलेशन आएगा। और अगर आपका ए बहुत लार्ज है मतलब इन्फाइनाइट है, तो इन्फाइनाइट के अंदर कुछ भी जोड़ेंगे तो भी इन्फाइनाइट ही रहेगा। तो ये फैक्टर जो होगा वो ऊपर ए है और नीचे ए प्लस कुछ है वो भी ए के इक्वल ही होगा, तो ये फैक्टर जो होगा वो इक्वल टू वन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, योर वी टू विल बी नियरली इक्वल्स टू वी वन। तो आपका जो वी वन पे जो वोल्टेज है, वी ऑपरेशनल एम्पलीफायर फोर्स करेगा वी टू टर्मिनल को वी वन के इक्वल आने के लिए। क्यों करेगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया है और ओपेम को लीनियर रीजन में ऑपरेट करना है इसलिए। तो अगर आप वी वन, अगर आप ग्राउंड यहाँ पर आप ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं जीरो वोल्ट ग्राउंड, एक्चुअल ग्राउंड, तो ये आपका एक्चुअल ग्राउंड है जीरो वोल्ट, तो आपका V2 क्या हो जाएगा, V2 भी आपको यहाँ पर आपको जीरो वोल्ट मिलेगा। बट ये दो, ये जीरो वोल्ट है, ये जीरो वोल्ट है, ये एक्चुअल ग्राउंड है और ये वर्चुअल है, क्योंकि ये डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, ये वाया दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनडायरेक्टली जीरो वोल्ट यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो इसको इसलिए इसको वर्चुअल कहते हैं ना कि एक्चुअल कहते हैं। तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये वर्चुअल ग्राउंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल ग्राउंड। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि कब हमको यूज़ करना है, तो टू यूज़ वर्चुअल ग्राउंड दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन मस्ट है। एक तो आपका ओपेम जो है वो आइडियल होना चाहिए या फिर टेंस टू आइडियल होना चाहिए, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके अंदर। और दूसरा, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका लीनियर रीजन में ऑपरेट करना चाहिए। और आप लीनियर रीजन को चेक कैसे करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर लीनियर में है या नहीं, अगर आपका आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस वीसीसी और प्लस वीसीसी के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर लीनियर रीजन में है और आप वर्चुअल ग्राउंड एप्लीकेबल है, अदरवाइज वर्चुअल ग्राउंड विल बी नॉट एप्लीकेबल।